नमस्कार दोस्तों, ऑक्टेव प्लेइंग कैसे करें? यह सवाल अक्सर क्रोमैटिक हार्मोनिका बजाने वाले लोग पूछते हैं। तो क्रोमैटिक हार्मोनिका पर ऑक्टेव प्लेइंग कैसे की जाती है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा और ऐसी कुछ टिप्स दूंगा जिनका इस्तेमाल मैं खुद अपनी प्लेइंग में करता हूं। आप उनको फॉलो कीजिए और मुझे उम्मीद है आपको उससे फायदा होगा। ऑक्टेव प्लेइंग में दरअसल हम क्या करते हैं कि एक नोट जो है, जो मान लीजिए अगर हम निचले ऑक्टेव का बजा रहे हैं, लोअर ऑक्टेव का, तो वही नोट हम साइमल्टेनियसली एक साथ मिडिल ऑक्टेव का भी प्ले करते हैं। तो दोनों नोट साथ में सुनाई देते हैं और इस तरह से काफी एक रिच उसका टेक्सचर आता है उस नोट का। अब कैसे इसको बजाया जाए? आप लोगों में से जिन लोगों के पास 12 होल क्रोमैटिक हार्मोनिका है, वो एक चीज के बारे में जानते होंगे कि हमारा होल नंबर 1 to 4 के बीच में सारे गमा पधा निसा बजता है। यानी एक नंबर होल जो है वो सा है और 4 नंबर होल भी सा है, लेकिन एक नंबर निचली पिच है जहां से हमारी सरगम की शुरुआत होती है और वो खत्म होता है 4 नंबर पे, यानी ऊपरी पिच जो है सा की वो होल नंबर 4 पे है। एक बार फिर हमको होल नंबर 5 पर भी सा ट्यून मिलता है और वहां से हम 5, 6, 7, 8 इन 4 होल्स में मिडिल ऑक्टेव बजाते हैं। यानी सारे गामा पधा निसा 5 होल पर सा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगला सा जो है जहां पर हमारा सप्तक, मध्य सप्तक या मिडिल ऑक्टेव खत्म होता है, वो हमारा आता है होल नंबर 8 पर। एक बार फिर होल नंबर 9 पर हमको वही सा मिलता है और 9, 10, 11, 12 हम सारे गम पधा निसा ब्लो ड्रॉप ब्लो ड्रॉप ब्लो ड्रॉप ड्रॉप ब्लो करते हुए कंप्लीट करते हैं। अब मान लीजिए मुझे बजाना है सारे गम पधा निसा इन ऑक्टेव स्टाइल, तो मैं क्या करता हूं? एक नंबर का सा मुझे बजाना है और 5 नंबर का सा बजाना है, तो बीच में कितने होल्स हुए? 3 होल्स हुए। अगर मैं उन 3 होल्स में से आवाज ना आने दूं और अपने मुंह के दाहिने और बाएं एज से, यानी किनारे से, अगर हवा ब्लो करूं, तो मुझे एक नंबर का सा और 5 नंबर का सा दोनों साथ में मिलते हैं। आपको मैं बजा के दिखाता हूं। सुनाई दे रहा है सिंगल नोट की तरह, लेकिन सिंगल नोट अलग सुनाई देते हैं। अगर मैं सिंगल नोट्स इन्हीं को बजाऊंगा तो कुछ ऐसा सुनाई देगा, 5 नंबर का सा और 1 नंबर का सा, और जब हम उसको ऑक्टेव पद्धति से बजाएंगे तो आप फर्क कर पा रहे होंगे, एक अलग किस्म की रिचनेस आती है टोन में। अब मैं कैसे बजा रहा हूं वो भी राज आपके सामने खोल देता हूं। टिप ऑफ द टंग जो है वो बहुत जरूरी है कि हम उसको सेंटर करें 1 और 5 के बिल्कुल बीचों बीच। तो बिल्कुल बीचों बीच कौन सा होल हुआ? 3 नंबर का होल हुआ। तो मैं क्या करता हूं, टिप ऑफ द टंग को टिका देता हूं होल नंबर 3 के बीच और उसको पूरी तरह से जीभ की जो टिप है उससे ब्लॉक कर देता हूं। तो इस तरह से मैंने टिप को लगा दिया है 3 नंबर होल पे। अब मैं जैसे जैसे हार्मोनिका को अंदर की तरफ धकेलूंगा, पुश करूंगा, तो मेरी जो जीभ है वो फैलना चालू होगी। उसको मैं उस हद तक ही फैलने दूंगा ताकि होल नंबर 2, 3 और 4, ये तीनों होल मेरी जीभ से अच्छी तरह से ब्लॉक हो जाएं, कुछ इस तरह से। थोड़ा अंदाज मुझे जीप पर जो फीलिंग आती है उससे हो जाता है कि हाँ, मैं 3 होल्स को ब्लॉक कर रहा हूं।
अब मैंने अपने मुंह को थोड़ा लूज छोड़ा हुआ है ताकि जो ये किनारे हैं, एजेस हैं, यहां से हवा आने को जगह मिले। तो काफी क्लीन नोट आ रहा है। जब कभी मैं इसमें थोड़ी भी गलती करूं और ऐसा हो जाए कि मेरी जीभ से कोई होल, दो तीन और चार में से कोई होल ठीक से कवर ना हुआ हो, तो वहां पर भी हवा एंटर करेगी। और एक और नोट, चाहे वो दो नंबर पे हमको ग मिलता है, तीन नंबर पे हमको मिलता है प, और अगर चौथा होल खुल गया तो दिक्कत नहीं है क्योंकि चौथा सा ही है। लेकिन अगर दो और तीन में से कोई होल में अगर हवा घुसती है, तो आपको ऑक्टेव प्लेइंग में एक नोट ऐसा मिलेगा जो आपको कहीं पर लगेगा कि हाँ, ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा नोट है। तो इसको हमें बड़े ध्यान से बजाना पड़ता है, बड़े इत्मीनान के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देयर इज नो शॉर्टकट। आप जब इसको बार बार लगातार प्ले करेंगे और सुनते हुए, अच्छी तरह से सुनते हुए, थोड़े थोड़े माइक्रो एडजस्टमेंट्स अपनी टंग की पोजीशन और अपनी माउथ की पोजीशन को करते रहेंगे, ताकि आपको वो क्लीन ऑक्टेव नोट मिले। इस बार क्लीन सिंगल नोट नहीं है, क्लीन ड्यूअल नोट है, क्लीन ड्यूअल ऑक्टेव नोट है। तो इस तरीके से अपने को बजाना है। अब देखिए, बाद में मैंने थोड़ा जीप को लूज छोड़ दिया तो मल्टीपल नोट्स आने लग गए। हमें मल्टीपल नोट्स नहीं बजाना है, हमको पूरा ब्लॉक करना है। तो ऐसे आएगा। अब ये ऑक्टेव स्टाइल में सा बज गया। रे कैसे बजाएं? सिंपल है, आप उसी स्थान पर, उसी होल्स पर ड्रॉ कर लीजिए। तो रे आ गया। अब धीरे से शिफ्ट हो जाइए आप, ताकि आपकी जो जीप की टिप है, जो पहले तीन नंबर होल पे थी, अब चार नंबर पे चली जाएगी। तो अब हम पांचवें होल पे शिफ्ट होंगे। एकदम क्लीन ड्यूअल नोट आ रहा है, एकदम क्लीन ड्यूअल ऑक्टेव नोट आ रहा है, क्योंकि हम एंश्योर करेंगे कि बीच के जो तीन होल्स हैं वो हमारी जीभ से अच्छी तरह से ब्लॉक हों, और हमारे जो एजेस हैं मुंह के, वहां से सांस या तो बाहर हम छोड़ेंगे, ब्लो करेंगे, या फिर ड्रॉ करेंगे। फाइनली मैं आता हूं होल नंबर सिक्स पर। होल नंबर सिक्स पर टिप ऑफ द टंग है। कवर्ड कौन से होल है? होल नंबर फाइव, सिक्स और सेवन। और प्ले कौन सा नोट हो रहा है? होल नंबर फोर्थ का ड्रॉ और फोर्थ का ब्लो, साथ ही साथ एट्थ का ड्रॉ और एट्थ का ब्लो। तो फोर्थ का ड्रॉ क्या हो गया? नी हो गया। एट्थ का ड्रॉ फिर से नी हुआ। उसी तरह से फोर्थ का ब्लो सा है और एट्थ का ब्लो भी सा है, लेकिन ये एक ऑक्टेव के दोनों एंड्स, यानी लोअर एंड और हायर एंड के सा है, या फिर लोअर और हायर एंड के नी है, जिसकी वजह से हमको ऑक्टेव सुनाई देता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको
ये चीज समझ में आ गई है, आपको अपनी जीभ को सेंटर करना है उन पांच नोट्स में से, पांच होल्स में से तीसरे जो बीच वाला होल है, जो तीसरे नंबर का होल है वहां पर उसको सेंटर करना है, और फिर हार्मोनिका को अंदर पुश करते हुए कुछ इस तरीके से अपनी जीभ की पोजीशन लानी है। जीभ फैलेगी और तीन होल्स को ब्लॉक करेगी और पहला और पांचवा होल आपके बजाने के लिए अवेलेबल रहेगा मुंह के किनारों से। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लेसन को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में कुछ वक्त बाद। धन्यवाद।